200 ग्राम भी रिंकू सिंह, शिवम दुबे और सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह ने एक नहीं दो नहीं बल्कि धोनी की तरह जाते जाते चार गेंदों पे चार ऐसे खतरनाक बैक टू बैक छक्के जड़े जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। रिंकू सिंह का वो अंतिम ओवर, उनकी सिक्सेस और बल्लेबाजी रिकॉर्ड का भी पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह को अब वनडे में भी खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों रिंकू सिंह का तूफान आईपीएल में सबने देखा और आज एक बार फिर से आयरलैंड के मैदान में यही तूफान हमें सबको देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहला मुकाबला जीतने के बाद आज जंग छिड़ी है दूसरे मैच को जीतने की। वैसे तो इस बार टॉस बुमराह नहीं जीत पाए, लेकिन पहले हमें बल्लेबाजी का न्योता मिला जिसमें शुरुआत बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं थी हमारी टीम की, लेकिन अंत कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की जबान पर रिंकू रिंकू का नाम है। दोस्तों सस्वी जायसवाल 18 पर आउट हो गए थे तो तिलक वर्मा 1 रन पर, भारत के लिए संकट के बादल छा गए। लेकिन फिर दो खिलाड़ियों ने डटकर बल्लेबाजी करी और पूरी तरीके से सारा भार ट्रांसफर कर दिया था आयरलैंड के कंधों पर। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई का वो ब्लड लाइन है जो सक्सेसफुल बल्लेबाज कहलाते हैं, इसी सक्सेसफुल बल्लेबाजी को उन्होंने आज भी दिखाया व दर्शाया। उनकी काबिलियत कुछ ऐसी थी कि 6 चौके 1 छक्का लगाकर 43 गेंदों में 58 रन बनाकर गए। तो संजू सैमसन का तो क्या ही कहना, आज आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैमसन ने भी 26 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का जड़कर 40 रन बनाए। लेकिन दोस्तों अब भी भारतीय क्रिकेट टीम स्ट्रगल कर रही थी 200 तक पहुंचने में, यहां तक कि 150 भी बहुत मुश्किल से हम रैंक कर पहुंचे और रिंकू सिंह ने अभी तक मैदान में कुछ स्पेशल किया नहीं था। 15 गेंदों में इन जनाब ने अभी 15 रन ही लगाए थे, लेकिन अंतिम दो ओवर्स में कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए रिंकू का नाम और उनकी पहचान है। आईपीएल के वो 5 छक्के तो आपको याद होंगे, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ, आज भी रिंकू ने थोड़ा कुछ वैसा ही करके दिखाया और इतना बढ़िया स्कोर बना दिया जो कि बाकी खिलाड़ी मिलकर भी नहीं बना पाए। हम बात कर रहे हैं पारी के 19वें ओवर की। दोस्तों मैकैथी नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे, ये वही खिलाड़ी हैं जो हमारी टीम के मुख्य विकेट लेकर गए। पहले तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ा और अगली गेंद पर 6 लगाया। अब रिंकू का गुस्सा देखकर ये खिलाड़ी ऐसा डरा कि अगली दो गेंदें वाइड डाली और फिर से छक्का खा कर गए। खैर इस एक ओवर से 200 भारत को पूरे 22 रन मिल चुके थे, क्योंकि वैसे गेंदें तो 6 होती हैं, लेकिन इस ओवर में रिंकू के डर से गेंदें 8 डाली गई। लेकिन पारी के 20वें ओवर में यानी कि आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि उनके हेटर्स भी आज उनके फैन हो गए होंगे। सबसे पहले 220वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने खतरनाक छक्का चढ़ा और अगली गेंद पर भी युवराज सिंह के स्टाइल में मिड विकेट की तरफ से एक और 6 चढ़ दिया। 1 रन लिया अगली गेंद पर और जब रिंकू को मौका मिला तो भला वो कहां से पीछे हट सकते थे। दोस्तों रिंकू सिंह ने भी इस ओवर की चौथी गेंद पर टीप पिंट विकेट की तरफ से खतरनाक शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया और अपनी पारी के लगाए 3 छक्के व 2 चौके। 21 गेंद पर दोस्तों रिंकू फिर 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रिंकू की पारी वाकई में लाजवाब थी। वैसे शिवम दुबे भी 16 गेंद में 22 रन बनाकर गए और इन दोनों ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है। वो दोस्तों कैसे, आपको ये बता दें कि आज तक किसी भी एक खिलाड़ी ने ऑलमोस्ट 22 रन तो बनाए ही नहीं है आयरलैंड की टीम के अगेंस्ट पिछले 4 सालों में इस उम्र में, और रिंकू ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। दोस्तों रिंकू सिंह मैदान में उतरे और उतरते ही रिकॉर्ड बना दिया, उनके शानदार सिक्सेस देखकर हर कोई बेहद खुश है। लेकिन आप सभी उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।